छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने संकल्प शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बीज और लोक निर्माण विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पहुंची। ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया, समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने और बोनस देने का झूठा वादा किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का झूठा वादा किया था। मोदी सरकार ने 15 लाख रुपये देने का वादा किया जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं भूपेश बघेल है तो भरोसा है कि नारों के साथ एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का लोगों ने आह्वान किया। समय में आज महासमुंद, कल्लारी और हमसरायपाली विधानसभा पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए सरकार की योजनाओं को लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं को हम रिचार्ज कर रहे हैं। और आने वाला समय में नवंबर में जब चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में भारी 75 सीट प्लस जीत के जाकर हम सरकार बनाएंगे। सर, सरायपाली का बात करूं, सरायपाली में 45 लोग दावेदारी किए हैं, कैसे मैनेज करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, दावेदारी करना हर कार्यकर्ता हक है, हम लोग कभी नहीं रोके, लेकिन हमने सब कार्यकर्ताओं का टिकट एक को मिलेगा, लेकिन पूरे लोग मिलकर काम करना है और छत्तीसगढ़ में सरकार। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल यह है मेरा सर आपसे कि यहाँ पर सरायपाली में अधिकतर जो है लगातार जो है गुटबाजी नजर आती है, क्या संकल्प शिविर के बाद में ये मैनेज हो पाएगा, कैसे मैनेज करेंगे? कहीं भी गुटबाजी नहीं है, अगर कार्यकर्ता कोई अपना हक मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, उसको गुटबाजी नहीं कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकवा शिकायत है, कोई बात है, हम घर में बैठकर बात कर लेंगे, लेकिन हमारा मकसद है इस समय छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार।